नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और दो महत्वपूर्ण विधेयक जो हैं, जिसमें संशोधन की बात लगातार की जा रही थी, आज उसमें कई सारी बातें सामने आई है, क्या कुछ उसको लेकर के गई? देखिए, जो नगरपालिका संशोधन विधेयक 2011 का इन्होंने जो था उसको 2022 में लेकर क्या है, उसके औचित्य पर पहले हम लोगों ने प्रश्न उठाया है कि भाई जिस तरह से चक्रानुक्रम पद्धति को राज्य की सरकार 2011 में स्वीकार की थी और उसके अनुसार अभी लगातार 3 बार यहाँ चुनाव हो चुके हैं, तब तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही रांची के महापौर के लिए 80 की सीटें रिजर्व की गई, वैसे ही राज्य की सरकार ने एक प्रायोजित विरोध दर्शा करके TSC को अपना हथियार बना करके उसको हटा दिया गया। अनुसूचित जाति वर्ग ने कोई डिमांड नहीं किया था कि हमको महापौर बनना चाहिए, लेकिन बाबा साहब संविधान के आलोक में उसको अधिकार मिला और उसमें इच्छा जागृत हुई। लेकिन राज्य सरकार ने जैसे आनन फानन में उसे कैंसिल करके वापस ST के लिए उसे छीन लिया, किसी का कोई विरोध हमारा नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे अस्मिता पर उसने कोठाराघात किया है, हमारे होने पर सवाल उठाया है, हमारा उसके खिलाफ हमारा प्रश्न है। OBC आरक्षण में भी लोग मांग रहे थे कि भाई हमको आरक्षण दीजिए, उसके बाद चुनाव कराइए, तब तो आपने नहीं रोका, तब तो आपने कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपने जो है SC को एक चैलेंज दिया है और हम लोग उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। सर, यहाँ पर लगातार धर्म परिवर्तन की भी बातें सामने आ रही हैं और इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है जितने भी आदिवासी हैं वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उन कन्वर्टेड जितने भी आदिवासी हैं उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये बातें सामने आ रही है, इसको लेकर क्या? देखिए, SC हो चाहे ST हो, उनको रिजर्वेशन इसीलिए मिला जा रहा है क्योंकि हिंदू धर्म है, जो हमारे अपने संविधान में जो हमारे महान विद्वानों ने संविधान बनाया था तो इसमें उन्होंने बराबर इसकी चिंता करी थी कि चूंकि हिंदू धर्म के अंदर ही अस्पृश्यता है, इसीलिए धर्म के आधार पर ही इनको इसी के आधार पर ही मिलता है। कभी आपने ईसाई धर्म में या फिर मुस्लिम जो विदेशी धर्म है उसमें कोई अस्पृश्यता का भावना नहीं है या कोई विचार नहीं है, उसमें कोई भेदभाव वर्ण या वर्ग का नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई इस तरह के कानून का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये स्वाभाविक है कि अगर यदि हिंदू धर्म को त्याग करके कोई दूसरा धर्म स्वीकार करेगा तो उसका स्वाभाविक रूप से वो अस्पृश्यता से बाहर निकल जाएगा, और जब अस्पृश्यता से बाहर निकल जाएगा तो उसका रिजर्वेशन भी समाप्त हो जाएगा। तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि लगातार रिजर्वेशन जो है उसका मामला यहाँ पर जो आ रहा है, धर्म परिवर्तन का जो मामला है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से इनको ने कहा कि यहाँ पर अगर धर्म परिवर्तन होता है तो उनका रिजर्वेशन ज़रूर खत्म हो जाना चाहिए और साथ ही साथ वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण दो विधेयक जो थे वो यहाँ पर उस पर चर्चाएँ भी हुई हैं। आपको बता दें कि SC को जो यहाँ पर नगर चुनाव में यहाँ पर जो मौका मिल रहा था उस पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है यहाँ पर उठा है, और जिसके बाद कई सारी चीजें सामने आई हैं। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।